देखो बेटा, आज हम करेंगे लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। देखो, हमने लॉगरिथम फंक्शन पहले भी पढ़े हैं, प्लस वन में भी पढ़े हैं, प्लस टू के अंदर भी पढ़े हैं, लेकिन लॉगरिथम कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के ऊपर हमने नहीं पढ़ा। लॉगरिथम हमने किसके ऊपर पढ़ा था? रियल के ऊपर, ठीक है। अब हम किसके ऊपर पढ़ेंगे? लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, यानी जो लॉगरिथम वैल्यू किसके ऊपर होंगी? कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के ऊपर होगी, जिसके अंदर कोई जेड होगा। जैसे कि ये किस फॉर्म का होगा? लॉग ऑफ जेड की फॉर्म का। जेड यहाँ पे क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। क्लियर? देखो, द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू ए गिवन बेस। आपके पास लॉगरिथम किसी नंबर का, जहाँ पे क्या गिवन होता है? हमें एक बेस गिवन होता है। लॉगरिथम का हमेशा बेस होता है ना। इज़ द इंडेक्स ऑफ द पावर टू विच बेस मस्ट बी राइज इन ऑर्डर टू इक्वल टू दैट नंबर। देखो इस लाइन का क्या मतलब हुआ। ये कहता है कि यदि आपके पास n कोई नंबर है, n कोई नंबर है जो किसी नंबर की पावर की वैल्यू है n, यानी a की पावर x की वैल्यू क्या है? n है। देन तो हम क्या कहेंगे कि जो ये पावर है, ये पावर x इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ n। जो ये पावर है x, वो किसका लॉगरिथम है? n का लॉगरिथम है। देखो कैसे, जैसे कि a की पावर x इज इक्वल टू n हो, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ऑफ a x आगे आ गया, तो दिस इज इक्वल टू n हो गया, तो लॉग ऑफ n हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालें तो देखो बेटा, कॉपी पर करवाती हूँ मैं आपको। मान लिया कि a की पावर x इज इक्वल टू n है, तो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ यहाँ पे a की पावर x, यहाँ पे क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ n आ जाएगा, x आगे पावर, तो लॉग ऑफ a इज इक्वल टू लॉग ऑफ n हो गया। x की वैल्यू क्या निकल गई? लॉग ऑफ n डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ a, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? लॉग ऑफ, जो लॉग ऑफ n बाय लॉग ऑफ a होता है, a तो यहाँ पे बेस में और n यहाँ पे, तो हम क्या कह सकते हैं? x क्या है बेटा? लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a, यानी लॉगरिथम ऑफ n, और बेस क्या है इसका? a बेस है। क्लियर हुई इतनी बात? बेस क्या है? a। तो यही है कि a की पावर x इज इक्वल टू n, x इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस a, लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a, a उसका बेस होगा और x क्या होगा बेटा? लॉगरिथम ऑफ n होगा। देखो, x इज लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a। क्लियर हुआ कि नहीं बात? तो ये कहता है सिंबोलिकली इट इज रिटन एज x इज इक्वल टू लॉग ऑफ n बाई ए, मतलब कि ये a बेस है यहाँ पे, a बेस है यहाँ पे, यहाँ पे नीचे लिखेंगे हम, तो इट इज रीड एज लॉग ऑफ n टू द बेस a। इसको हम कैसे रीड करेंगे? लॉग n टू द बेस a, ऐसे रीड करेंगे, ठीक है, लॉग n टू द बेस a। व्हेन, ये कहता कि व्हेन कैपिटल n a x आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कहता है यदि आपके पास ये जो n है, ये a है, ये x है, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हो जाएं, तो वी डिफाइंड लॉगरिथम ऑन द सेम लाइन, लॉगरिथम ऑन द सेम लाइंस एंड इट इज गिवन बिलो। तो ये कहता है, तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे? लॉगरिथम निकालेंगे। किस क्वांटिटी का निकालेंगे बेटा? कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का, क्योंकि अब यहाँ पे ये नंबर किस में कन्वर्ट हो गए? कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पे किस में थे? जो हमने पढ़े हैं रियल के अंदर, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है। अब हम किसकी लॉगरिथम पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये कहता है कि इफ़ जेड एंड डब्ल्यू बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर कनेक्टेड बाय द रिलेशन जेड इज इक्वल टू ई की पावर डब्ल्यू। ये कहता है कि यदि आपके पास जेड और डब्ल्यू दो क्या हैं? कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हैं बेटा, और जो किससे मतलब कि रिलेटेड हैं, इस रिलेशन से रिलेट हैं, जेड इज इक्वल टू ई की पावर डब्ल्यू, यानी जेड की वैल्यू क्या होती है? ई की पावर डब्ल्यू। देन वी डिफाइंड लॉग ई जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू। क्लियर? कैसे? टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, यदि यहाँ पे लॉग लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखो, लॉग ऑफ जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू आगे और लॉगरिथम ऑफ ई, ठीक है, लॉग ई इसके नीचे ले आओ, तो लॉग ऑफ जेड डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू डब्ल्यू। इसका मतलब कि लॉग ऑफ जेड टू द बेस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो ये लाइन निकल के आ गई यहाँ से,
यहाँ से हमारे पास ये लाइन निकल के आ गई। तो लॉग ऑफ जेड टू द बेस ई इज इक्वल टू कितना है डब्ल्यू। तो लॉगरिथम ऑफ जेड टू द बेस ई इज डब्ल्यू। अब ये कहते हैं कि टू शो दैट लॉग ई जेड, ये कहता है कि जो ये लॉग ई जेड की वैल्यू आई है डब्ल्यू, ये कहता है कि ये मैनी वैल्यूड फंक्शन है। मैनी वैल्यूड फंक्शन का देखो मीनिंग क्या होता है, जब आपके पास एक से ज़्यादा एलिमेंट किसी यदि आपके पास कोई एक एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट की वैल्यू दे दे, जैसे कि ये इस पे भी गया, 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 यानी ये फंक्शन किस टाइप का है, ये मैनी वैल्यूड फंक्शन है ये। क्लियर, यानी एक पॉइंट एक से ज़्यादा पॉइंटों पर चला जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैनी वैल्यूड, यानी जिसकी वैल्यू मैनी आए। देखो इधर बहुत सारी वैल्यू आ रही है ना, तो जिसकी वैल्यू क्या है मैनी आए, तो उसको उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मैनी वैल्यूड फंक्शन। तो ये कहता है कि जो लॉगरिथम ऑफ ई जेड फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, मैनी वैल्यूड फंक्शन। कहने का मतलब क्या है कि जो ये वैल्यू देगा ये एक से ज़्यादा वैल्यू देगा, एक से ज़्यादा वैल्यू देगा, जो एक ही वैल्यू दे उसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। ठीक है, जो जिसमें एक पॉइंट की एक ही वैल्यू आए उसको क्या बोलते हैं हम, वन वन फंक्शन। अब देखो बेटा, इफ n इज जीरो और एनी अदर इंटीजर देन, ये कहता है कि n की वैल्यू या तो जीरो हो या फिर कोई दूसरा इंटीजर हो, चाहे जीरो हो चाहे इंटीजर हो, कहने का मतलब कि n कोई भी इंटीजर हो तो e की पावर 2n पाई आयटा हमेशा वन होता है। यह आपने पहले भी पढ़ चुके हो आप, e की पावर 2n पाई आयटा हमेशा कितना होता है, वन। खोलना चाहो तो इसको डिमॉर्गेज थ्योरम से खोल दो, इसको आइलर फंक्शन से, आइलर थ्योरम से खोल दो इसको, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। लेट लॉगरिथम ऑफ जेड टू द बेस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू। मान लिया कि लॉगरिथम ऑफ जेड टू द बेस ई की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू है। अब बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम जेड की वैल्यू क्या होगी बेटा, ई की पावर डब्ल्यू हो जाएगी, और ई की पावर डब्ल्यू की मल्टीपल में हम वन कर सकते हैं, और वन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ई की पावर टू एन पाई आयटा, और यदि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो देयरफॉर जेड क्या लिखा गया, ई की पावर डब्ल्यू प्लस का टू एन पाई आयटा। दोबारा फिर लॉगरिथम की डेफिनेशन लगा दो, तो यहाँ से लॉग ई जेड कितना बन गया, लॉग ई जेड कितना बन गया बेटा, डब्ल्यू प्लस का 2n पाई आयटा, जहाँ पे n की वैल्यू क्या है, कोई भी इंटीजर, और इंटीजर कितने हैं बेटा, इन्फाइनेटली मैनी। तो देयरफॉर लॉग e z की वैल्यू कितनी आ गई, इन्फाइनेटली मैनी। तो हैंस ये जो फंक्शन रहा वो कैसा रहा, मैनी वैल्यूड फंक्शन रहा, यानी इसकी एक से ज़्यादा वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ, इसकी एक से ज़्यादा वैल्यू आ गई, ये कैसा फंक्शन है, मैनी वैल्यूड फंक्शन है। क्लियर दिस पॉइंट, आगे देखो बेटा। अब ये कहता है जर्नल एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ जेड। लॉग ई जेड की बहुत सारी वैल्यू है बेटा, देखो यहाँ पे मैनी वैल्यूड फंक्शन था ना, तो ये कहता कि इनमें से प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी होगी, जर्नल वैल्यू कौन सी होगी। मैनी वैल्यूड फंक्शन है तो बहुत सारी वैल्यू हैं, तो इन वैल्यू में से कोई एक तो कैसी होगी, प्रिंसिपल वैल्यू होगी, और बाकी क्या होंगी, जर्नल वैल्यू होगी। तो ये कह रहा कि इनमें से बताओ कि प्रिंसिपल कौन सी है और जनरल कौन सी है। तो ये कहता कि जो स्टार्टिंग में हमने लॉग ई जेड इजिकल टू डब्ल्यू ली थी, ये तो है प्रिंसिपल, ये वाली वैल्यू कौन सी है बेटा, प्रिंसिपल, ये है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। और ये कौन सी वैल्यू है, ये है आपकी जनरल वैल्यू, जनरल वैल्यू, ये है जनरल वैल्यू, और ये वाली वैल्यू थी जो स्टार्टिंग में, वो कैसी कौन सी है, प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर हुई इतनी बात, तो ये वैल्यू कब आएगी, प्रिंसिपल वैल्यू, जब आप n की जगह पे जीरो पुट कर दोगे, यहाँ पे जर्नल वैल्यू के अंदर यदि आप n इजिकल टू जीरो पुट कर दोगे तो आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी, और प्रिंसिपल वैल्यू में अगर आप 2n पाई आयटा ऐड कर दोगे तो वो आपकी कौन सी वैल्यू बन जाएगी, जर्नल। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको जर्नल वैल्यू दे दी जाए तो प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हो, और प्रिंसिपल वैल्यू दे दी जाए तो जर्नल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके तो यही है लॉग ई जेड इजिकल टू डब्ल्यू प्लस टू एन पाई आयटा, लॉग ई जेड प्लस का टू एन पाई आयटा।
द वैल्यू ऑब्टेंड बाय पुटिंग एन इजिकल टू जीरो इन द जनरल वैल्यू, जनरल वैल्यू के अंदर अगर एन इजिकल टू जीरो पुट करोगे तो आपके पास कैसी वैल्यू निकल के आएगी, वो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट होगी। और अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर 2n पाई आयोटा ऐड कर देंगे तो वो आपके पास कैसी आ जाएगी, जनरल वैल्यू आ जाएगी। एक चीज़ अगर आपके पास दे दी जाए तो दूसरी आप फाइंड आउट कर सकते हो, नोट कर लेना इस बात को। उसके बाद है लॉगरिथम ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर, वही चीज़ लॉगरिथम ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर का लॉगरिथम लॉग एन इजिकल टू एक्स, यानी पॉजिटिव रियल नंबर का जो लॉगरिथम आएगा वो भी कैसा आएगा, रियल आएगा। एक वैल्यू तो रियल आएगी, और जनरल वैल्यू अगर हम निकालें तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, एक्स वाली कैसी है, प्रिंसिपल वैल्यू। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर क्या ऐड कर देंगे हम, 2n पाई आयोटा ऐड कर देंगे तो ये कैसी वैल्यू आ जाएगी, जनरल वैल्यू। ये निकली कैसे है, वही e की पावर 2n पाई आयोटा इक्वल टू 1 जैसे लास्ट आर्टिकल में किया था, और e की पावर x प्लस का 2n पाई आयोटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, e की पावर x, e की पावर 2n पाई आयोटा, e की पावर 2n पाई आयोटा की वैल्यू कितनी है, 1 यहां से, तो देयरफॉर e की पावर x, और e की पावर x क्या था यहां से n, तो ये कैपिटल n, तो कैपिटल n यानी लॉगरिथम ऑफ कैपिटल n की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस का 2n पाई आयोटा। प्रिंसिपल कौन सी होगी, n की वैल्यू जीरो पुट कर दोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगी, और ये कौन सी है, जर्नल, ये कौन सी है, जर्नल, और ये कौन सी है, प्रिंसिपल। क्लियर, ये प्रिंसिपल वैल्यू है और वो कौन सी है, जर्नल वैल्यू है। अब नेगेटिव का कैसे निकाल लेंगे, माइनस एन हो तो एन इंटू में माइनस वन कर लो, माइनस वन को क्या लिख सकते हो, सॉरी माइनस एन इजिकल टू क्या लिखोगे, एन इंटू में माइनस का वन, माइनस वन को क्या लिख सकते हो, कोस पाई प्लस का आयोटा साइन पाई, कोस पाई प्लस का आयोटा साइन पाई को क्या लिख सकते हो बेटा, ई की पावर पाई आयोटा। बात समझ में आई इतनी, तो माइनस एन की एन को आप क्या लिख सकते हो, एन इंटू में ई की पावर पाई आयोटा, ये लिख सकते हो, माइनस एन को ऐसे लिख सकते हो। टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, तो लॉग ऑफ माइनस एन इजकल टू लॉग ऑफ एन पाई आयोटा, लॉग है तो लॉग एम एन कैसे खुलता है, लॉग एम प्लस का लॉग एन। अब लॉग ई क्या होता है, वन होता है ना लॉग ई, तो ये पाई आयोटा आगे आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, पाई आयोटा, यानी लॉग ई की वैल्यू वन होती है। समझ आ गया, तो लॉग ई की वैल्यू वन होती है तो ये क्या बन गया, पाई आयोटा। तो लॉग ऑफ माइनस एन की वैल्यू क्या आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई, और ये वाली वैल्यू कौन सी आई है बेटा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कैसे पता लगा, क्योंकि इसमें एन नहीं है, स्मॉल एन नहीं है, एन की वैल्यू जीरो है ना, यहाँ पे स्मॉल एन तो है ही नहीं, तो देयरफॉर ये कैसी वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू से अगर आपको जनरल वैल्यू पे पहुँचना है तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू में कितना ऐड करना पड़ेगा, 2n पाई आयोटा ऐड करना पड़ेगा। समझ आया, अब यहाँ पे n की वैल्यू जीरो पुट कर दोगे तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी, और प्रिंसिपल वैल्यू में अगर आप 2n पाई आयोटा ऐड कर दोगे तो आपके पास जनरल वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद देखो लॉगरिथम ऑफ ए प्योरली इमेजिनरी नंबर आयोटा बीटा। अब ये कहता है यदि आपके पास आयोटा बीटा यानी प्योरली इमेजिनरी नंबर हो, कॉम्प्लेक्स यानी इसके अंदर रियल पार्ट ना हो, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो, तो कैसे निकालोगे। आयोटा बीटा, बीटा को बाहर ले लो, रियल है ये तो, बीटा तो रियल है, आयोटा को कैसे लिख सकते हैं, कोस ऑफ पाई बाई टू प्लस का आयोटा साइन पाई बाई टू, कोस पाई बाई टू प्लस का आयोटा साइन पाई बाई टू को क्या लिख सकते हैं, ई की पावर पाई बाई टू इंटू में आयोटा। अब देखो बेटा टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, तो लॉग ऑफ आयोटा बीटा इज इक्वल टू लॉग ऑफ बीटा प्लस का लॉग ऑफ ई की पावर पाई बाई टू आयोटा, ये वैल्यू वन होती है, तो देयरफॉर लॉग ऑफ बीटा प्लस का पाई बाई टू इंटू में आयोटा। समझ आया, ये क्या बन गया आपके पास, लॉगरिथम ऑफ आयोटा बीटा की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू कैसे लिखोगे, लॉग ऑफ बीटा प्लस का पाई बाई टू इंटू में आयोटा, ये लर्न कर लेना यहाँ से। और यदि आपको ये कैसी वैल्यू है, ये है प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि स्मॉल एन नहीं है यहाँ पे, स्मॉल एन नहीं है तो ये कैसी है, प्रिंसिपल वैल्यू है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू में आप अगर 2n पाई आयोटा ऐड कर दोगे तो वो कैसी वैल्यू आ जाएगी, ये जनरल वैल्यू आ जाएगी। अब ये कहता कि यदि हम लॉग ऑफ आयोटा की वैल्यू निकाल लें तो लॉग ऑफ आयोटा की वैल्यू ये आएगी, देखते हैं कैसे आएगी। बीटा की वैल्यू 1 पुट कर दो तो लॉग ऑफ 1 प्लस का कितना आ जाएगा, पाई बाई टू आयोटा, लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो लॉग 1 0, तो क्या बच गया आपके पास, पाई बाई टू आयोटा।
फिर ये कहता है कि यदि हम इसका यूज ना करें, इस रिजल्ट का यूज ना करें, तो सिंपल भी निकाल सकते हैं। आयटा को क्या लिख सकते हैं? आयटा को लिख सकते हैं कोस पाई बाई टू प्लस कायटा साइन पाई बाई टू, और इसको लिख सकते हैं ई की पावर में, और ये होता है वन, तो दो तो भी क्या बचेगा? पाई बाई टू आयटा बचेगा। समझ आ गया? ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये इसका अल्टरनेट मेथड है। ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, एक ही बात है। अब ये कुछ लाज हैं आपके पास लोगरिथम के, जो हमने प्लस वन टू में पढ़े थे, सिंपल वही हैं। कहते हैं कि मल्टीप्लाई में लोगरिथम कैसे खुलेगा? यदि लोगरिथम में दो नंबर मल्टीप्लाई में हैं तो वो कैसे खुलेगा? एडिशन में। डिवाइड में हो तो सब्ट्रैक्शन में। पावर में हो तो आगे आ जाएगी एक पावर, और यदि बेस में हो तो लॉग ऑफ जेड वन डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ जेड टू, दोनों का बेस ही हो जाएगा। अब ये कहता है कि टू सेपरेट लॉग ऑफ अल्फा प्लस का आयटा बीटा इनटू द रियल और इमेजिनरी पार्ट, कि अल्फा प्लस आयटा बीटा को रियल और इमेजिनरी पार्ट में कैसे अलग करें। लेट अस सपोज कर लिया कि अल्फा प्लस का आयटा बीटा इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस का आयटा साइन थीटा, आर कोस थीटा प्लस का आयटा साइन थीटा। क्लियर? यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये हमने पहले कई बार उसमें भी किया है, कैलकुलस के अंदर भी किया है। देखो, यदि हम यहाँ पे अल्फा प्लस का आयटा बीटा को क्या लिख लेते हैं, आर कोस थीटा प्लस का आयटा साइन थीटा, तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करें आर कोस थीटा प्लस का आयटा आर साइन थीटा, यदि हम कंपेयर करें व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज आर कोस थीटा, व्हाट इज बीटा, बीटा इज आर साइन थीटा। क्लियर है इतनी बात? फिर क्या, स्क्वेयर करके ऐड कर दो। इधर स्क्वेयर करके ऐड करेंगे तो अल्फा का स्क्वेयर बीटा का स्क्वेयर, इधर स्क्वेयर करके ऐड करो आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस का आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। आर स्क्वेयर बाहर को मन, अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वेयर थीटा प्लस का कोस स्क्वेयर थीटा, दिस इज वन, तो देयरफॉर आर स्क्वेयर। तो अब क्या आ गया, देखो अल्फा का स्क्वेयर प्लस का बीटा का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर का स्क्वेयर, तो इसका मतलब कि आर की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ अल्फा का स्क्वेयर प्लस का बीटा का स्क्वेयर। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद ये कहता है अगर हम यहाँ से इसको डिवाइड कर दें तो ये वन और ये टू, मैं क्या करने जा रही हूँ, टू डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। सेकेंड क्या था आपके पास, देखो आर साइन थीटा, फर्स्ट क्या था आर कोस थीटा, उधर से क्या है बीटा बाय अल्फा, यहाँ से आर कैंसिल हो गया तो क्या बन गया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, और थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, टेंजेंट इनवर्स बीटा बाय अल्फा। क्लियर हुआ? तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल गई, यहाँ से आर की वैल्यू निकल गई। अगर थीटा और आर हैं तो यहाँ पर पुट कर दोगे, ठीक है, तो आपके पास अल्फा और बीटा को आर और थीटा में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहाँ से हमने क्या सीखा, ये कहता है कि अल्फा प्लस का आयटा बीटा अगर ऐसा हो तो आर की वैल्यू अल्फा का स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर का अनरूट होगी, अभी हमने निकाला, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी, टेंजेंट इनवर्स बीटा बाय अल्फा, ये भी हमने निकाल लिया। अब देखो लॉग ऑफ अल्फा प्लस का आयटा बीटा, लॉग ऑफ अल्फा प्लस आयटा बीटा को ये देखो कैपिटल एल है, कैपिटल एल है, तो ये कैसा है बेटा, कैपिटल एल है जनरल वैल्यू, ये कैसी वैल्यू है, जनरल वैल्यू, और ये स्मॉल एन है, ये कौन सी है, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, स्मॉल एल है तो प्रिंसिपल, और कैपिटल एल है तो जनरल। तो प्रिंसिपल वैल्यूज के अंदर अगर हम 2n पाई आयटा ऐड कर देंगे तो जनरल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, पहले ही मैंने बताई थी ये बात। अब लॉग ऑफ अल्फा प्लस का आयटा बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा प्लस का आयटा साइन थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, r e की पावर आयटा थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 2n पाई आयटा, यहाँ पे क्या log m इंटू मैन, log m प्लस का log n, और ये e से log कैंसिल होकर आयटा थीटा बचेगा। उसके बाद 2n पाई आयटा लॉग ऑफ r की वैल्यू क्या आई थी, अंडर रूट अल्फा का स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू शिफ्ट कर दो, टेंजेंट इनवर्स बीटा बाय अल्फा, ये अंडर रूट है तो लॉग से आगे आ जाएगा 1 बाई टू है ना, इसका मतलब कि पावर 1 बाई टू है, अगर पावर 1 बाई टू है तो लॉगरिथम से आगे आ जाएगी, तो 1 बाई टू लॉग ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर प्लस का आयटा,
और जो यहाँ से और यहाँ से आयटा कॉमन ले लिया, इन दोनों टर्मों में से आयटा कॉमन ले लिया, तो आयटा कॉमन लेने के बाद यहाँ पे तो बचा 2n पाई और यहाँ पे बचा टेंजेंट इनवर्स बीटा बाय अल्फा। व्हाट इज दिस? दिस इज़ द रियल पार्ट। व्हाट इज दिस? दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ लॉगरिथम इज दिस और इमेजिनरी पार्ट ऑफ लॉगरिथम ऑफ दिस। ये कहता है कि एन की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे, अगर एन की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे हम 0, तो आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपके रियल पार्ट और ये आपका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब देखो बेटा, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ माइनस का 5। अब लॉग माइनस का 5 और लॉग ऑफ दिस, इसको हमें क्या करना है? प्रिंसिपल और जनरल वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखो, प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यू, तो लॉगरिथम ऑफ माइनस का 5 अगर हम लेके चलें, तो माइनस का 5 को कैसे लिखोगे बेटा? 5 × −1। लॉग अलग अलग कर लो, कर लिया। लॉग माइनस 1 को कैसे लिख सकते हैं? कोस पाई प्लस का आयटा साइन पाई, कोस पाई आयटा साइन पाई ई की पावर आयटा पाई, तो लॉग 5 प्लस का आयटा पाई। तो इसकी जो ये वैल्यू जो आई है वो कैसी आई है? प्रिंसिपल, क्योंकि इसमें स्मॉल एन नहीं है। फिर हम इसकी अगर जनरल वैल्यू निकालें, जनरल वैल्यू को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एल से, कैपिटल एल से। तो कैपिटल एल यानी कैपिटल लॉगरिथम माइनस का 5, इस प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर हम क्या ऐड कर देंगे? 2n πi आयटा ऐड कर देंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर अगर हम 2n πi आयटा ऐड करेंगे और आयटा कॉमन लेंगे, तो 2n πi 2n+1 × π आ जाएगा। तो कहता है कि प्रिंसिपल वैल्यू तो ये वाली होगी जिसमें n नहीं है, और ये इसकी क्या होगी? जनरल वैल्यू होगी। क्लियर। उसके बाद लॉग ऑफ 4 − 3 आयटा, 4 − 3 आयटा को हम क्या लिखेंगे बेटा? r × cos θ माइनस का आयटा साइन थीटा, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, तो ऐसा ले लिया। अब इक्वेट रियल और इमेजिनरी पार्ट, जैसे कि अभी हमने सोल्व करके दिखाया था, नहीं मैंने सोल्व करके दिखाया था, वैसे ही रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लिया, फिर स्क्वेयर करके ऐड कर दिया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। फिर डिवाइड कर लिया, तो थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स वही बीटा बाय अल्फा वाली बात है, तो देयरफॉर ये कितना आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। थीटा आ गया, आर आ गया आपके पास, आर और थीटा दोनों आ गए। तो देयरफॉर देखो, यहाँ से 4 − 3 आयटा r cos θ − θ sin θ, इसको लिख सकते हैं e−i θ, और r की वैल्यू 5 आई है, e−i θ। टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, तो log 5 अलग, ये अलग, माइनस का आयटा थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे, r की भी वैल्यू पुट हो चुकी है और थीटा की भी वैल्यू पुट हो चुकी है। तो देयरफॉर ये कैसी वैल्यू आई है बेटा? देखो, विदाउट एन है, तो देयरफॉर ये है प्रिंसिपल वैल्यू, एन की वैल्यू 0 पुट हो रखी है यहाँ पे। अब ये कहता है कि प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर अगर हम 2n π ऐड कर देंगे, तो वो जनरल वैल्यू आ जाएगी। तो आयटा बाहर कॉमन, ये इसका रियल पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट, तो प्रिंसिपल वैल्यू तो रही ये वाली, और ये वाली क्या कौन सी रही? जनरल वैल्यू। ठीक है, ये समझ लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके।